Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Varsha and today I am here to answer your questions. Yes, recently मैंने एक post डाली थी जहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपके कोई भी queries हैं तो आप पूछ सकते हैं. So आप लोगों ने mostly questions जो है calligraphy related है और दो तीन personal questions थे. तो हम start करेंगे personal questions से. First question जो है that is what is your age? So, I am 26 years old. Second is relationship status. So I am happily married. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन. सो आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर यू फ्रॉम. सो आई एम फ्रॉम मथुरा. अब है कैलीग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, सो लेट्स मूव टू दैट. फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैमलिन और डॉम्स ब्रश पेन फॉर बिगिनर्स. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार मुझसे पूछा जाता है. जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसके कमेंट सेशन में भी एक ना एक कमेंट तो ये आता ही है. तो इसको लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है. दोनों बिग टिप ब्रश पेन है, दोनों वाटर बेस्ड ब्रश पेन है और दोनों की टिप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है उन्हें कंट्रोल करना. बट मैं प्रेफर करती हूँ कैलीग्राफी करने के लिए कैमलिन. आई डोंट नो वाई, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. दोनों में से आप कोई भी बाय करें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन और जेल पेन. आई प्रेफर जेल पेन. अगर आप फॉर कैलीग्राफी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जेल पेन ही चूज कीजिएगा बिकॉज बॉल पेन से वो फिनिशिंग नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल डूइंग कैलीग्राफी. सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन थिन एंड थिक स्ट्रोक्स बिकॉज पूरी कैलीग्राफी जो है उसी पे बेस्ड है, हाउ टू डू द ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग. सो फोकस होना चाहिए आपका थिन और थिक लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और कैसे ट्रांजिशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्रूव आर कैलीग्राफी, हाउ मच टाइम डू वी नीड टू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस. सो टू इम्प्रूव योर कैलीग्राफी यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न द बेसिक एंड प्रैक्टिस राइट थिंग्स. अगर आप रॉन्ग थिंग को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलीग्राफी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी. तो इम्प्रूव करने का सही तरीका तो ये है कि बेसिक सीखें और सही सोर्स से सीखें. उसके बाद आपको डेली कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आपको हाफ आवर एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए. उसके बाद आप कुछ डेज स्किप कर सकते हैं बट 2-3 मंथ्स तक आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी हो जाए. विच ब्रश पेन डू यू यूज. सो आई यूज सो मैनी ब्रश पेन्स. आई हैव 11 to 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश पेन. सो डिपेंडिंग अपॉन वॉट टाइप ऑफ वर्क आई एम डूइंग, डिपेंडिंग अपॉन वॉट पेपर आई एम यूजिंग और मुझे किस चीज़ की नीड है उस पर ब्रश पेन की चॉइस डिपेंड होती है. बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ स्मॉल टिप ब्रश पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू प्रेफर, ड्रॉइंग और ट्रैवलिंग. सो आई विल प्रेफर ट्रैवलिंग बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग. विच कैलीग्राफी पेन डिड यू यूज फर्स्ट. सो माई फर्स्ट ब्रश पेन वर टॉम्बो डॉल ब्रश पेन. हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट कैलीग्राफी. सो इंस्टाग्राम पे मैंने दी हैप्पी एवर क्राफ्टर पेज को फॉलो कर रखा था और बैका जो है वो टॉम्बो डॉल ब्रश पेन यूज़ करती थी, उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने ऑर्डर किया था एंड टुडे आई एम हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू लर्न कैलीग्राफी. सो आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. मैंने कुछ कैलीग्राफर्स से इंस्पायर होके स्टार्ट करा था, देन कुछ ट्यूटोरियल्स के साथ और कुछ प्रैक्टिस के साथ आई लर्न कैलीग्राफी. नेक्स्ट इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर डूइंग कैलीग्राफी. सो अगर आपको कैलीग्राफी पसंद है तो वो मोटिवेशन अपने आप आएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर मी जब भी मैं फ्री होती हूँ आई फील लाइक आई शुड डू कैलीग्राफी. सो वो मोटिवेशन खुद आएगा, आप वो अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू गेट बेटर और इम्प्रूव कैलीग्राफी. सो आई विल रिपीट, लर्न द बेसिक, लर्न फ्रॉम द राइट सोर्स एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रश पेन डू यू रिकमेंड फॉर कैलीग्राफी. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर स्मॉल टिप और मीडियम टिप. अगर आप बिग टिप ब्रश पेन जैसे कैमलिन और डॉम्स से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ये और भी चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट टिप होते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर स्मॉल टिप ब्रश पेन लाइक टॉम्बो फ्यूडोनोसुके और पेंटल साइन फ्यूड टच और गो फॉर मीडियम टिप ब्रश पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट ब्रश पेन. इट कुड बी चीप और एक्सपेंसिव बट इट शुड नॉट फ्री. सो आई हैव वन आंसर, टॉम्बो फिडोनोसुके हार्ड टिप ब्रश पेन. इट इज़ 110 rupees एंड इट विल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वॉन्ट फ्री वेदर यू आर यूजिंग इट ऑन अ नॉर्मल पेपर और अ गुड क्वालिटी पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड द मोस्ट फ्रॉम इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर. सो इट्सी बिट्सी पे आपको सभी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे. अगर आप ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, अगर आप क्ले से वर्क करते हैं या फिर आप कुछ पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक
के साथ वर्क करते हैं तो सब कुछ वैरायटी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और रिसेंटली आपको वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रश पेंस भी देखने को मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बट स्टिल अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मुझे दो प्रोडक्ट बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। फर्स्ट है डेको वार्निश। आपको कोई भी पेंटिंग है आपकी या कोई भी वर्क है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक वैसा ही रखना चाहते हो तो आप डेको वार्निश से उसको सील कर सकते हैं, वो काफ़ी टाइम तक वैसा ही रहेगा। सेकेंड इज डेको ट्रांसफर शीट। उस शीट में जो स्टिकर है या जो भी कैरेक्टर है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मिरर पे ट्रांसफ़र करें, आप किसी कैनवस पे ट्रांसफ़र करें, आप MDF पे ट्रांसफ़र करें, तो वो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है वो करना। सो आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यू नो दैट यू लव कैलीग्राफी? सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कैलीग्राफी आई फाउंड इट वेरी रिलैक्सिंग एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर 1 month आई रियलाइज दैट आई लव डूइंग दिस एंड आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। So guys, I think that is enough for today. If you still have some questions, you can drop it in the comment box. I will surely answer your questions. And it was fun doing this video. I hope you guys also enjoyed this. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.